हमारा कर्तव्य है, क्योंकि थोड़ा बहुत एक फार्मिंग सिस्टम का सेक्टर बचा हुआ है। मोदी जी ने एमएसपी बर्बाद कर दिया, गलत जीएसटी लागू करके बिजनेस बर्बाद कर दिया, डीमोनेटाइजेशन के नाम से कि ब्लैक मनी इससे निकलेगी उससे अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दिया और एक मैन्युफैक्चरिंग बर्बाद कर दिया। जहां भी मोदी जी ने हाथ डाला उसका सत्यानाश हुआ। और बनारस से यह कहना कि ये जो कृषि कानून है गंगा जल की तरह पवित्र है, तो भैया ये करोड़ों लाखों लोग ये पागल हैं, ये बेवकूफ है अगर पवित्र है। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। तो इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल बोल कर जो प्रधानमंत्री हो गए हैं और आपके सामने भी झूठ बोल रहे हैं। कौन सा गंगा जल की तरह पवित्र है कानून? हर बार झूठ बोलना, किसान अपनी आवाज उठाए, देशद्रोही पाकिस्तानी खालिस्तानी। जेएनयू का मैं हूं, जेएनयू के स्टूडेंट जब फीस पड़ती है आवाज उठाते हैं टुकड़े टुकड़े कर। जब जामिया के और तमाम मानवाधिकार लोग अपने अधिकार की बात करते हैं ये देशद्रोही। अरे आजादी के समय में आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया था और इस देश के प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि भगत सिंह जी को कांग्रेस ने कोई मदद नहीं किया था और कांग्रेस के पास समय नहीं था। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब मेहता जो उनके वकील थे भगत सिंह जी थे, आखिरी शब्द जो उन्होंने कहा था कि नेहरू जी को धन्यवाद देना, उन्होंने जो मदद किया, नेहरू जी ने वकील भी किया था, मिले भी थे, आरएसएस के जो शर्मा थे एडवोकेट थे उन्होंने भगत सिंह जी के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। ये अंग्रेजों के ये देश की स्वतंत्रता के खिलाफ थे, ये देशद्रोही हैं, ये कभी देश के सच्चे हितैषी नहीं है। अभी तो मुसलमानों का नंबर लगाया है, दलितों का नंबर लगाया है, ये सब का नंबर लगाएंगे। ये सिखों से क्या समझते हैं कि इंतजार कर रहे हैं, मलाचार हैं, ये और किसी को नहीं देखना चाहते। और ये कहते हैं कि ज्यादातर पंजाब और हरियाणा से ही क्यों है, हरियाणा पंजाब में मंडी समिति विकसित हुई, पूरे देश में विकसित नहीं हो पाई, इसीलिए दूसरे देश के दूसरे राज्यों की किसानों की हालत ज्यादा खराब। आपसे मैं यही कहूँ लास्ट तक रहेंगे, पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़े, किसान आपके साथ आ रहा है। हर जगह मंडी समिति पूरे देश के अंदर डेवलप होना चाहिए और जब डेवलप होगा तभी इस देश के किसानों का भला होगा। इनको तकलीफ है कि आपने डेवलप कर लिया, उसको सत्यानाश करना चाहते हैं। जहां बड़े बड़े पूंजीपति जब सस्ता अनाज रहेगा गेहूं और धान खरीद लेंगे और जब महंगा होगा तब वे बेचेंगे ताकि बीच में मंडियां आढ़तिये सब खत्म हो जाए। यही इस सरकार की सोच है, यही एक सेक्टर बचा हुआ है जिसको ये समाप्त करना चाहते। अरे कनाडा के प्रधानमंत्री को इनकी पीड़ा सुनाई देती है, हमारे प्रधानमंत्री को इनकी पीड़ा नहीं सुनाई देती। हमारे प्रधानमंत्री जो बनारस के अंदर जाकर के वहां पर मोदी का आनंद ले और इस देश का होम मिनिस्टर नगर निगम के प्रचार। तो किसान भाइयों, दलित आदिवासी से मैं अपील कर रहा हूँ, यहाँ मैं यहाँ का एमपी हुआ करता था, इनसे बड़ा टकराव हुआ करता था, लेकिन मेरी पहचान आज भी लोग जानेंगे कि मुझे मीडिया दलित नेता के नाम से एससी एसटी के नेता से जानती है। मैं उसी कैपेसिटी से आया हूँ और आपको समर्थन देने आया हूँ। हम लोग रोज आएंगे और हमारे लोग रोज आएंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।